आज हम देखेंगे लाइव वैक्सीन्स के बारे में। लाइव वैक्सीन्स के तीन टाइप्स होते हैं या तीन मैकेनिज्म्स होते हैं जिस तरह से लाइव वैक्सीन को यूज़ किया जाता है। लाइव वैक्सीन्स मीन्स जिसमें जिसमें बैक्टीरिया या वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है, उसको लाइव फॉर्म में यूज़ किया जाता है, वो पूरी तरह से डेड फॉर्म में नहीं होता। तो फर्स्ट टाइप उसमें है एटीन्यूएटेड और हाफ किल्ड, उनको हाफ किल किया जाता है या उनके पावर्स को कम किया जाता है। सेकेंड टाइप होता है कल्टिवेटेड टू डिसेबल देयर वायरुलेंट प्रॉपर्टी, उनकी वायरुलेंट प्रॉपर्टी को कम किया जाता है। थर्ड टाइप होता है क्लोजली रिलेटेड विथ डेंजरस ऑर्गेनिजम्स बट आर लेस डेंजरस एंड आर एबल टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी। कुछ ऐसे स्पेसिस को यूज़ किया जाता है जो सिमिलर इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करने में कैपेबल होते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो स्पेसिस है उससे कम डेंजरस होते हैं। लाइक कुछ वेटरनरी स्पेसिस को यूज़ किया जाता है इस तरह से। तो मोस्ट लाइव वैक्सीन्स जो होते हैं वो वायरल होते हैं बट सम आर बैक्टीरियल एज वेल। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ लाइव वैक्सीन्स। लाइव वैक्सीन्स मोर पोटेंट होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और मोर ड्यूरेबल होते हैं, प्रोवोक मोर ड्यूरेबल इम्यून रिस्पॉन्स। बहुत दिनों तक, कुछ सालों तक इनका इम्यून रिस्पॉन्स रहता है। डिसएडवांटेज भी होता है लाइव वैक्सीन का, जैसे कि ये क्योंकि वैक्सीन्स में बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं, तो जो लोग इम्यून कम्प्रोमाइज हैं लाइक HIV पॉजिटिव हैं या ट्यूबरक्लोसिस है जिनको, उनको ये नहीं दे सकते क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी भी कैपेबल नहीं है कि वो हाफ हील या कम ताकतवर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ भी डील कर सके। तो वो लोगों में वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम स्ट्रांग होने के बावजूद भी बीमारी को क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में लाइव वैक्सीन्स को नहीं दे सकते। नेक्स्ट अब हम इसमें देखेंगे ट्रिक और निमोनिक्स ऑफ लाइव वैक्सीन्स, एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके कुछ, जिससे कि आपको वो वैक्सीन्स इजीली याद रहे जो लाइव फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। उप्स, ये तू तू मैं, रोको यार सब चुप रहो, ये एक सेंटेंस याद करना है हमें। उप्स ये तू तू मैं, रोको यार सब चुप रहो। नंबर वन है उप्स, दैट इज़ OPV वायरस, ओरल पोलियो वायरस। सेकेंड है ये, दैट इज़ येलो फीवर। फर्स्ट टू स्टैंड फॉर ट्यूबरकुलोसिस, दैट इज़ BCG वैक्सीन, लाइव फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट टू जो है वो टाइफॉइड के लिए हमने यूज़ किया है। फिफ्थ नंबर है मैं, दैट इज़ मीजल्स। सिक्स नंबर अगेन मैं, मम्स। नंबर सेवन रोको फॉर रूबेला। एट यार, दैट इज एर्सेनिलिया पेस्टिस, एर्सेनिया पेस्टिस दैट इज प्लेग, प्लेग का वायरस। अभी प्लेग का यूज़ नहीं होता बट है कुछ कुछ कंट्रीज में प्लेग अभी भी केसेस मिलते हैं। इंडिया में भी कुछ सालों पहले नोट किया गया था एक केस को। नंबर नाइन सब स्टैंड्स फॉर स्मॉल पॉक्स। नंबर टेन चुप स्टैंड्स फॉर चिकन पॉक्स। नंबर एलेवन रहो, सब चुप रहो, रहो स्टैंड्स फॉर रोटा वायरस। तो ये हुआ हमारा छोटा सा वीडियो था लाइव वैक्सीन्स के बारे में। आई होप आपको ये यूज़फुल रहेगा।